बिहार के गया में रोडरेज में 19 साल के छात्र आदित्य की हत्या के आरोप में जेडीयू एमएलसी के बेटे रॉकी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। रॉकी को सोमवार देर रात बोधगया में उसके पिता के एक प्लांट से पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसएसपी गरिमा मलिक के मुताबिक रॉकी ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल लिया है। जिस लैंड रोवर में रॉकी सवार था वो उसी के नाम पर है। पुलिस के मुताबिक रॉकी के पास से ब्रेडा पिस्तौल भी मिली है जो विदेशी हथियार है और इसका लाइसेंस दिल्ली से जारी हुआ था। दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गया के एसएसपी गरिमा मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई, और दूसरी में आरोपी रॉकी मीडिया के सवालों से बचता नजर आ रहा है। जिला पुलिस जो है वह अनुसंधान कर रही थी, अलग अलग जगह पर सघन छापामारी और आसूचना संकलन चल रहा था। इसी क्रम में दिल्ली भी एक टीम हम लोगों की कल गई है। इसी सब अनुसंधान और छापामारी के क्रम में कल बोधगया थाना क्षेत्र से मेन नामजद अभियुक्त जो हैं रॉकी यादव, उनकी कांड में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तारी हुई। हम लोगों की अनुसंधान चल रहा था, घटना जब से हुई है आसूचना संकलन चल रहा था, कई जगह पर छापामारी की गई थी। उसी क्रम में एक जगह जो है वो कल बोधगया में भी की गई, जहां से गिरफ्तारी हुई है मेन नामजद जिसका घटना में जो घटना में प्रयुक्त हुआ है वही वेपन है। ये मेन जो नामजद अभियुक्त हैं रॉकी, उन्हीं के नाम पे इशूड लाइसेंस है, दिल्ली का लाइसेंस। लैंड रोवर गाड़ी वेपन ये ब्रेटा है, टी ब्रेटा, इट्स अ फॉरेन मेड वेपन सो फार एज वी नो नाउ। पूछताछ में पूछताछ भी हुई है, पूछताछ के साथ साथ जो है हाउस सर्च भी चला है। जो जो सूचनाएं जो आई हैं वो हम लोग अनुसंधान के क्रम में लेकर के आएंगे। उस सब मामले पर पूछताछ हुई है, हम लोगों के पास कुछ डिटेल्स हैं और मैं आप लोगों को एश्योर कर सकती हूँ कि जो अन्य भी इसमें संलिप्त थे लोग इस घटना में, उनकी भी हम लोग बहुत शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। बॉडीगार्ड की भूमिका के बारे में क्या बताया बॉडीगार्ड उस समय? डेफिनेटली वी आर कंप्लीटली बाउंड टू एंश्योरिंग दैट people who are accused in the case, people who are found guilty in the case, they are not able to intimidate the family members of the victim in any way, and we would ensure that as a district in what way Rocky jo hai uski statement abhi hui hai aur statements hongi usne abhi jaise main pehle bol rahi hu hum logon ki jo witnesses ki statements hai usko wo usi par usi ke aas paas statement hai usi ko corroborate kar rahi hai unhone apna jo abhi jo statement diya hai usme apna जो है गुनाह उसको स्वीकार किया है। रॉकी का जो रिवॉल्वर था वो कहाँ का है और किस एड्रेस से उसने बनाया था, दिल्ली का बनाया था, क्या था? आर्म्स लाइसेंस इशूड है, वो दिल्ली का आर्म्स लाइसेंस। अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है, अगर किसी भी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध इस तरह की बात आएगी, किसी भी तरह का जो है साक्ष्य आएगा इन्वेस्टिगेशन में, तो उनको कानून की जो धाराएं हैं सुसंगत धाराएं उनके तहत बुक किया जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल ही रहा है। ये सब बातें कि वो कब कहाँ था, वो कहाँ गया, नहीं गया, कहाँ रहा, ये सब इन्वेस्टिगेशन में बातें बिल्कुल उभर करके आएंगी और इन सब बातों को आगे एड्रेस किया जाएगा जैसे जैसे हम लोगों को पता चलती जाएगी। बढ़ते हैं आगे। रॉकी को उसके पिता बिंदी यादव के डेयरी फार्म परिसर से दबोचा गया। इस मसले पर गया कि एसएसपी से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार ने। 72 घंटे के अंदर गया पुलिस ने रॉकी को दबोच लिया है, वो रॉकी जिसने आदित्य की हत्या करी है। हमारे साथ गया के एसएसपी हैं गरिमा मलिक। मैम कैसे ये कामयाबी मिली, इनपुट्स कैसे आए, कैसे आपने अरेस्ट किया? हम लोगों की टीम्स अलग अलग जाकर जगह पर जाकर के छापामारी कर रही थी। कल एक टीम जो है वो दिल्ली के लिए भी रवाना हुई है, तो इसी सब के क्रम में हम लोगों को सूचना मिली कि बोधगया में जो है एक संभवता लोकेशन की, उस पर जब हम लोगों की टीम जो है वहाँ पर जाकर के छापामारी की, तो वहाँ से जो नामजद अभियुक्त हैं रॉकी, इनकी गिरफ्तारी हुई है।
तो क्या ये वारदात के बाद गया शहर में ही थे, बाहर कहीं ये भागने की कोशिश नहीं किया, और जिस ठिकाने से पकड़ा गया है वो इनके फादर का बताया जा रहा है? भी अनुसंधान में सारी बातें आएंगी। गिरफ्तारी जो हुई है वह हॉटमिक्स प्लांट और डेयरी है बिंदी यादव का, उसके पास के एरिया से हुई है बोधगया में। तो क्या ये इन्होंने अपना जुर्म कबूला है? हाँ जी, अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें ये उसको स्वीकार कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं ये? जो पूरी की पूरी इंसिडेंट है उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आखिर गोली मारने की नौबत क्यों आ गई? हाथापाई से बात शुरू हुई, गोली मार दिया इन्होंने, तो क्या? देखिए, जो इंसिडेंट हम लोग पहले पूरा आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ है, मारपीट होने से लेकर के उसके बाद गोली चलाने का, वो सब इंसिडेंट अभी स्वीकार किया गया है। स्पीडी ट्रायल के तहत रॉकी को सजा दिलाया जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, गया। इधर आरोपी रॉकी यादव ने मीडिया से पूछे सवालों के जवाब में कहा है कि वो कोर्ट में अपनी बात रखेगा। नहीं, न्यायालय में बता देंगे। रॉकी कोर्ट में अपनी बात रखने की बात कह रहा है। वहीं रॉकी यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। इधर आदित्य के परिजनों ने स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की है। रॉकी यादव की गिरफ्तारी के बाद आदित्य की दादी और मां से खास बातचीत की जीवडिया संवाददाता अमित कुमार ने। सोचना चाहिए, दुखी आदमी साथ क्या मेरे परिवार में बीत रहा, कितने में जल रही हूँ, उसको खुद उसके साथ न्याय करना चाहिए। ऐसी सजा उसको दे कि आगे किसी को दुख नहीं दुनिया में हो, ऐसी सजा दे, क्योंकि हर आदमी के बच्चे हैं, हर आदमी के चल फिर सकते हैं। खाली लिखो के गुंडे लोग घूमेंगे और इंसान आदमी बैठ के मरेंगे, डरेंगे, कितना डरेंगे। पुलिस को अपना खूब अपनी समझदारी करनी चाहिए और नीतीश को भी चाहिए कि आगे के लिए ऐसा किसी साथ नहीं हो। आपकी माँ है, इनसे जानते हैं, ये बताइएगा कि आप रॉकी को जब देखेंगी कोर्ट में तो क्या उससे क्या सवाल करेंगे, कुछ पूछेंगे उससे कि क्यों मारा आपके बेटे को? क्यों मारा मेरे बेटे को पूछेंगे तो उससे क्यों मारा? हम कोर्ट जा भी नहीं पाएंगे, उसको देख नहीं पाएंगे, नहीं जा पाएंगे कोर्ट में। अब ये जब रॉकी पकड़ा गया है तो अब काफी लंबी कानूनी प्रक्रिया चलेगी, पूछताछ होगी, इंटरोगेशन होगा। लंबी नहीं होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई, लंबी नहीं हो, लंबी होगा वो छूट जाएगा, पता है छूट जाएगा। तो क्या आप क्या चाहती है, स्पीडी ट्रायल हो? हाँ, स्पीड ट्रायल हो उसके साथ, उसके साथ बहुत जल्दी। सजा क्या चाहती है? सजा तो उसको मौत का ही हकदार है, वो तो कुछ नहीं। अब तक की जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, कार्यशैली, उससे आप संतुष्ट हैं, क्योंकि अब 72 घंटे अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया रॉकी को? हाँ, अब तो पुलिस से उम्मीद है कि इस न्याय मिलेगा। उम्मीद तो अब तो उम्मीद है, क्योंकि वो भी एक औरत है, SSP है, वो दर्द समझ सकती है, वही उसको सजा दिलवाएंगी। पुलिस ने रॉकी को गिरफ्तार कर लिया है और अब ये चाहती है कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल हो और जल्द से जल्द रॉकी को कड़ी से कड़ी सजा जो है वो गया पुलिस न्यायालय से दिलवाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र और सहयोगी राकेश के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, गया। इधर अपने बेटे की मौत से आदित्य के पिता सदमे में है। आइए अब आपको सुनाते हैं आदित्य के पिता ने क्या कुछ बयान दिया है। बिहार के बच्चा को मार दो।
शनिवार को रोडरेज में आदित्य की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से ही आरोपी रॉकी फरार चल रहा था। रविवार को पुलिस ने बिंदी यादव और उसके बॉडीगार्ड राजेश कुमार को गिरफ्तार किया था, जिन्हें जेल में पेश किया गया। बिंदी यादव को गया जिले में बाहुबली माना जाता है। उन पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं।